नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या हो देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। मंगलोर कोतवाली में नारसन पुलिस चौकी के अंतर्गत गंग नहर की पटरी पर बदमाशों ने एक लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जहां पर तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और तीनों आरोपी रुड़की जेल में बंद थे। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने बताया कि एक आरोपी दीपक ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। मगर सबसे बड़ा सवाल यहां खड़ा हो रहा है कि जिले के कारागार में अपराधी जेल में आत्महत्या कर लेते हैं, जेल प्रशासन के किसी भी अधिकारी को इसकी कानोकान खबर नहीं होती। वहीं सूचना मिलने पर आनन फानन में पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आपको बता दें कि जब हमारी टीम ने पीड़ित परिवार वालों से बात की तो पीड़ित परिवार वालों ने ग्राम प्रधान पति लब्बा रहरी पर हत्या का आरोप लगाया और उन्होंने बताया कि दीपक को प्रधानपति अपने कुछ साथियों के साथ काम देने के बहाने से घर से बुलाकर ले गया था। आज सुबह पीड़ित परिजनों ने लाश को गांव के रास्ते पर रखकर रास्ते को जाम किया। वहीं पीड़ित परिवार वालों ने प्रशासन के सामने अपनी मांगों को रखा। मौके पर पहुंचे SP देहात और SDM ने लोगों को शांत किया। वार्ता के उपरांत SDM रुड़की को मृतक के परिजनों के द्वारा अंतिम संस्कार किए जाने पर सहमति व्यक्त की गई और इस संबंध में अपनी अपेक्षाओं के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया है। क्या ज्ञापन है सर? उम्मीद की जाती है कि अब शव का अंतिम संस्कार शांतिपूर्ण तरीके से हो सकेगा और जो कुछ भी उनकी अपेक्षाएं हैं उनको उनकी दिशा में सकारात्मक रूप से निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से कार्रवाई आगे की जा सकेगी।